प्रदर्शनकारियों की पुलिस के साथ धक्का मुक्की भी हुई है। फॉरेस्ट गार्ड भर्ती परीक्षा में हुई नकल, यूथ कांग्रेस प्रदर्शन इसको लेकर कर रही है और रद्द करने की मांग की जा रही है कांग्रेस की तरफ से इस परीक्षा को। वन मंत्री के इस्तीफे की मांग भी की जा रही है। यूथ कांग्रेस की तस्वीरें उत्तराखंड से, तो पिछले हफ्ते फॉरेस्ट गार्ड परीक्षा में जो 16 फरवरी को हुई थी उसमें जो धांधली का मामला सामने आया है उसको लेकर एनएसयूआई लगातार प्रदर्शन कर रही है और हमारी मांग है कि जो वन मंत्री हरक सिंह रावत वो इस्तीफा दे और जो एस राजू अधीनस्थ चयन आयोग के अध्यक्ष उनको पद से हटाया जाए और परीक्षा को पुनः करवाया जाए, नई तिथियां घोषित की जाए और जो भी दोषी उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। तो यूथ कांग्रेस की तस्वीरें आपके सामने हैं, ये आज अपना आक्रोश दिखाते हुए सड़कों पर उतरे हैं। कांग्रेस पार्टी का झंडा आप देख सकते हैं इन युवाओं के हाथ में और इनकी मांग है कि जल्द से जल्द एक्शन लिया जाए प्रशासन की तरफ से भर्ती परीक्षा के ऊपर। पिछले हफ्ते पिछले रविवार की एक खबर जिसमें फॉरेस्ट गार्ड भर्ती परीक्षा में नकल की खबरें सामने निकल कर आई। 8 से 10 लाख रुपए हर विद्यार्थी को देने की बात सामने आ रही थी, जिसके बाद एक्शन इसके ऊपर लिया गया। कई लोगों को हिरासत में लिया गया, कोचिंग सेंटर के मालिक को भी हिरासत में लिया गया और अब इन युवाओं की मांग है कि इस परीक्षा को ही रद्द किया जाए। ना सिर्फ यूथ कांग्रेस बल्कि पूरी कांग्रेस पार्टी की मांग है, जिसको लेकर सिरे से मनाही अब सामने आ चुकी है मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के द्वारा कि परीक्षाएं रद्द नहीं होंगी। भारती सकलानी मेरी सहयोगी और जानकारी के साथ इस बड़ी खबर पर मौजूद है। भारती, इस समय क्या अपडेट आपके सामने है? अभी भी चल रहा है कंशन यहाँ पर और यूथ कांग्रेस की सीधे तौर पर मांग है कि वन मंत्री हरक सिंह रावत अपने पद से इस्तीफा दे। लगातार इस परीक्षा को लेकर जो सवाल उठते रहे हैं, बहुत पहले परीक्षा हो जानी चाहिए थी और परीक्षा जब समय पर नहीं हो पाई उसके बाद जब परीक्षा समय पर होती है तो फिर परीक्षा में धांधली की जाती है, इस बात को लेकर यूथ कांग्रेस में काफी नाराजगी है। फिर उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के जो अध्यक्ष हैं एस राजू, उनके पद के इस्तीफे की भी यूथ कांग्रेस भारतीय युवा कांग्रेस के जो ये कार्यकर्ता हैं, ये सब स्टूडेंट्स, इनके बीच में कोई कांग्रेस का बड़ा चेहरा भी देख पा रही है क्या? नहीं, फिलहाल तो छात्र संगठन ही यहाँ पर आए हुए हैं क्योंकि इनमें से ज्यादातर बच्चों ने परीक्षा दी हुई थी और वो ये कहते हैं कि उन्होंने लगातार मेहनत की थी, अब जिस तरीके से नकल इस परीक्षा में हुई है तो उनकी मेहनत पर पानी फिर गया है, इसलिए इस परीक्षा को रद्द होना चाहिए। ऐसा ना हो कि इस परीक्षा में जो गड़बड़ी हुई है, जो जेन्युइन कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने तैयारी की थी वो पास ना हो पाए और जो नकल माफिया रहे हैं वो यहाँ पर इस परीक्षा को पास कर लें, इसलिए ये सीधे तौर पर मांग करें कि इस परीक्षा को रद्द ही किया जाए। शुक्रिया आपका भारती सकलानी इस जानकारी के लिए।